Okay, very good morning students. Today we will discuss about the most important topic, that is the torque. Okay, आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसके रिलेटेड होगा टॉर्क के रिलेटेड होता है. किसके रिलेटेड होगा? ये टॉर्क से रिलेटेड होगा. टॉर्क एक्चुअली में होती क्या है? इट्स नथिंग बट जो हम सिंपल फोर्स यूज करते हैं ना किसी भी बॉडी को मूव करवाने के लिए. जैसे मान लो मैंने इस बॉडी को यहाँ से इस तरफ से धकेल रहा हूँ, ठीक है, तो ये बॉडी जो यहाँ की तरफ चल रही है तो मैं इसके ऊपर क्या अप्लाई कर रहा हूँ? मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है. अब मान लो मेरे ये जो टॉर्क है वो किसी पॉइंट ऑफ एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है. मैं इसको सेंटर से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि स्टेट आगे की तरफ जो वो मूव कर जाएगी. तो इस कंसेप्ट को हम क्या बोलेंगे? सिंपली फोर्स बोलूंगा मैं इस चीज को. बट जो टॉर्क होती है सेम टू दैट ऑफ द फोर्स बट इट प्रोड्यूस द डिफरेंट एक्शन. टॉर्क जो होती है एक डिफरेंट एक्शन प्रोड्यूस करती है. देखो कौन सा एक्शन प्रोड्यूस करती है. मान लो अब मैं इस रोड को यहां से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये रोड आगे घूमने जाएगी क्योंकि नीचे घूमने फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ मैं इसको. तो इस तरीके से रोड जो है वो इस तरीके से रोटेट करने लग पड़ेगी, ठीक है. तो दैट मीन्स द काइंड ऑफ द फोर्स विच प्रोड्यूसेस क्या होता है? काइंड ऑफ द फोर्स विच प्रोड्यूसेस द रोटेशनल इफेक्ट. क्या प्रोड्यूस करेगा? रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. उसी को हम क्या बोलते हैं? टॉर्क बोला जाता है. एनी काइंड ऑफ अ फोर्स व्हिच प्रोड्यूसेस द रोटेशनल इफेक्ट उसी को हम क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं. अब मान लो मेरे पास यहां पे एक बुक पड़ी हुई है, ठीक है. अब देखो इस बुक को अगर मैंने ओपन करना है, ठीक है, अगर मैं ओपन करूंगा तो इस पेज को इस तरह से पकड़ के अगर मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं तो खुल जाएगी. नहीं खुलेगी, ओपन ही होगी ये पेज, ठीक है. जब मैं इसको इस तरीके से ओपन कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? फोर्स अप्लाई कर रहा हूं. एक स्पेशल केस होता है ये फोर्स का. मैं इस फोर्स को कहां पे अप्लाई कर रहा हूं? इसके पर्टिकुलर एंड पॉइंट पे. कहां? एक्सिस ऑफ रोटेशन से. एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां है? ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है. क्यों? क्योंकि ये पेज जो है इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या बोल के रहा है? घूम रहा है, ठीक है. तो जब मैं यहां पे इसको यहां से फोर्स अप्लाई करता हूं तो देखो क्या हो रहा है? ये रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है. अरे ये रोटेट ही तो हो रहा है. देखो यहां से मैंने इसको फोर्स अप्लाई की इस तरीके से तो ये पूरा का पूरा पेज क्या हुआ? रोटेट हुआ. अगर मैं आगे ले जाता हूं इसको और ज्यादा एक्टिव बना रहा है, मतलब ये इस तरह से रोटेट हो रहा है, ठीक है. सो दिस कांसेप्ट इज कॉल्ड द टॉर्क. इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं. बट देयर इज अ स्पेशल केस. क्या होता है टॉर्क? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड लो एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स. जो फोर्स के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कहां से लेंगे? फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है. अब देखो यहां पे इसका सेंटर पॉइंट है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन मेरे पास इसकी यहां पे बनी क्योंकि ये पूरी रोड इस तरीके से घूम रही है, ठीक है. तो यहां से लेके कितनी डायरेक्ट डिस्टेंस पर जा सकती हूं मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं? तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक फोर्स डिस्ट्रक्शन अप्लाई कर रहा हूं इस डायरेक्शन में. तो ये दोनों प्रोडक्ट मिलके क्या बनाते हैं? टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है. तो इसको हम क्या बोलते हैं? टॉर्क इज इक्वल टू I perpendicular distance and magnitude of the force. बहुत आ रहा है cross product में लिया जाता है इन चीजों को, ठीक है. ऐसा क्यों? इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है. क्योंकि जो effect produce करता है वो third direction की तरफ effect produce कर रहा है. जैसे मान लो मेरे पास एक बोतल का ढक्कन है, ठीक है, ये बोतल है मेरे पास, इसके ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ है. अगर मैं इस ढक्कन को ओपन करता हूँ, ठीक है, इस ढक्कन को अगर मैं ओपन करूंगा तो इसको रोटेट करूंगा इस डायरेक्शन में. जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, क्रॉस प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा हुआ है. जब मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो दो डिफरेंट वेक्टर्स के बीच में फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास जो थर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो थर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रहा है. क्यों? अरे मैंने बोल सके ढक्कन को तो इस तरफ घुमाया लेकिन ये मूवमेंट किस तरफ कर रहा है? ऊपर की डायरेक्शन में कर रहा है, ठीक है. तो दिस वन इज कॉल्ड द स्केल क्रॉस प्रोडक्ट बोला जाता है इनको, ठीक है. तो टॉर्क जो है सेम इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है. अगर मैं यहां से फोर्स अप्लाई करके इसको इस तरफ खींच रहा हूं, बाहर की तरफ खींच रहा हूं, ठीक है, तो ये
जाएगा, ओपन हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, विंडोज ओपन करते हो आप तो, ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है रोटेशनल इफेक्ट, तो हम इसमें क्या मेजर करते हैं, वो किसका मैग्नीट्यूड होता है, वो होता है सिंपली टॉर्क का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो देखो हमारे पास ये मेरे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसकी डॉर की, और ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगा, दैट इज आर। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आर से रिप्रेजेंट करेंगे। जब आर और एफ के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा तो एक रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा ये, ठीक है। इसके केसेस के बारे में आगे बढ़ेंगे। तो देखो यहां पे टॉर्क ऑफ द टॉर्क इज इक्वल टू आर कॉस ऑफ एफ, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड द फोर्स अप्लाइड फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो यहां पे ये मेरे पास मैग्नीट्यूड फॉर्म में इसको आप ऐसे लिखते हैं आर एफ साइन ऑफ थीटा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट को बताते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, दैट कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइन ऑफ थीटा। इसे रिप्रेजेंट करते हैं, साइन ऑफ थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर हो गई बात सभी को? ये अब आया केस में टॉर्क के स्पेशल केसेस, ठीक है। केसेस केस वन देखो, केस वन में क्या बोला, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, जब थीटा कितना होगा 0 डिग्री होगा, जब थीटा 0 डिग्री हो मेरे को बताओ कि टॉर्क कितनी लगेगी। अरे जब मैं थीटा की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूं r f sin ऑफ थीटा दैट इज 0 डिग्री, sin 0 डिग्री और sin 0 की वैल्यू कितनी हुई 0। अरे ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, sin की टॉर्क को 0 कैसे बन गई? देखो यहां पे बड़ा सिंपल सा केस है, यहां पे मेरे पास डोर है, ठीक है, और डोर इसका मतलब क्या है, 0 डिग्री का एंगल का मतलब क्या है, यानी कि मेरे पास डोर का रेडियस है यहां से लेके यहां तक, यहां पे हिंज लगा हुआ है, दरवाजे को खोलने के लिए जो हिंज लगाए जाते हैं, ठीक है, और फोर्स भी मैं इसी डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूं, यहां पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, यानी कि आर और एफ बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। अगर मैं दरवाजे को पकड़ के ऐसे खींच रहा हूं, इसको की तरफ खींच रहा हूं, तो टॉर्क तो प्रोड्यूस ही नहीं, टॉर्क की गति आर रोटेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, रोटेट तो हुआ नहीं दरवाजा, क्योंकि मैं रेडियस के ही डायरेक्शन में इसको फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूं रेडियस की डायरेक्शन में, तो वो तो वही का वही सेट रहेगा, ठीक है। तो दैट मींस देयर इज अ नो रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस, दैट्स व्हाई द टॉर्क विल बी इक्वल टू द 0। अरे जब रोटेशन इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ तो टॉर्क कहां से लगेगी इसमें? सेकंड केस, केस 2, ठीक है, केस 2 में व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब मान लो मैं थीटा कितना कंसीडर करता हूं, 90 डिग्री, टॉर्क इज इक्वल टू कितना बनेगा, आर एफ साइन ऑफ 90 डिग्री, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 90 डिग्री, दैट इज द 1, एंड आर एफ विल बिकम मैक्सिमम। तो इस केस में क्या होगा, टॉर्क जो होगी वो मैक्सिमम होती है। क्यों मैक्सिमम होगी, देखो आप टॉर्क का रेडियस तो ये है, अब मैं हैंडल को यहां से पकड़ रहा हूं और फोर्स मैं अपनी तरफ लगा रहा हूं स्ट्रेचिंग में, both having the angle of 90 degree, दोनों के बीच का एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा 90 degree। जब मैं डोर को यहां से पकड़ूंगा इसे खींचूंगा तो डोर को पूरा इस तरीके से घूम जाएगा यहां से, तो क्या हुआ टॉर्क प्रोड्यूस हुई, ठीक है। तो टॉर्क प्रोड्यूस हुई तो इस केस में टॉर्क जो होती है वो कैसी होगी, मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होती है इस केस में, ठीक है। तो क्या हो रहा है, दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है वो कितना बनेगा 90 डिग्री का, ठीक है। दरवाजा ये है, रेडियस इस तरफ जा रहा है, फोर्स में स्ट्रेक्शन में लगा रहा हूं, तो दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है वो कितना बना 90 डिग्री का। घर में भी आप इसको सिंपली एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, दरवाजे के पास खड़े हो जाना, दरवाजे के स्टेट उसमें आ जाएगा कि इससे फोर्स अप्लाई करना तो नहीं फिर घूमेगा, लेकिन जरा सा भी आप थोड़ा सा एंगल देख इसको घुमाओगे तो क्या होगा, ये टर्न कर जाएगा, क्या देखेंगे टर्न कर जाएगा, ठीक है। थर्ड केस में एक और केस में फोर्स को हमारे पास चीज होती है कब, व्हेन आर इज इक्वल टू 0। अरे जब मैं आर की वैल्यू 0 कर दूंगा तब भी टॉर्क कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों? देखो मैंने हिंज आपने देखे होंगे, खेडे जो होते हैं दरवाजे के पास लगे होते हैं वो हमेशा उसके एंड पॉइंट पर जाकर के लगाए जाते हैं, ऐसा क्यों, ताकि वो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करे। अब मान लो इस एंड पर भाग के मैंने यहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही लगा दिया, यहां पे लगा दिया, और जब मैं यहां पे लगा रहा हूं तो उसको खींच रहा हूं तो ये घूमेगा ही, अरे रेडियस की वैल्यू मैंने ये कर दी है 0 कर दी है, ठीक है। इसका केस सिंपल सा यहां पे ले लेते हैं, ये मेरे पास बुक पड़ी हुई है, ठीक है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पे, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर मैं इसको यहां से इस तरीके से टर्न कर रहा हूं तो देखो रेडियस यहां पे है, फोर्स मैं कैसे लगा रहा हूं इस तरफ लगा रहा हूं, दोनों के बीच का एंगल कितना बना 90 डिग्री, तो इस केस में टर्निंग इफेक्ट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो टॉर्क जो होगी वो मैक्सिमम होगी, लेकिन जब मैं इसको यहां से पकड़ के घुमाने की कोशिश करता हूं तो घूम ही नहीं रहा है, क्यों नहीं घूम रहा है, क्योंकि रेडियस मैंने 0 कर दिया, मैंने अपने जो पकड़ने का रेडियस था यहाँ पे पकड़ रहा था, यहाँ से लिखा जाता रेडियस था, ठीक है,
जब मैं रेडियस यहाँ पे ले लेता हूँ, मतलब जीरो कर देता हूँ रेडियस, मैं ही सामने यहाँ पे पकड़ता हूँ, ठीक है, यहाँ पे यहाँ से पकड़ के मैं इसको घुमाने की कोशिश करता हूँ, नहीं घूम रहा है, क्यों नहीं घूमेगा? अरे आर की वैल्यू जीरो होगी, जब आर की वैल्यू जीरो होगी तो क्या इसका मतलब क्या हुआ? आर जीरो होगी उसका मतलब टॉर्क भी क्या होगी? जीरो होगी, क्योंकि आर इंटू एफ दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, अगर आर जीरो होगी तो सारी सारी क्वांटिटी क्या है? जीरो हो गई है। तो थर्ड केस में ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारे जो विंग्स जो होते हैं वो हमेशा एंड पे लगाए जाते हैं दरवाजे के, ठीक है, ना कि उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ। तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज द टॉर्क, इसी को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोला जाता है।